ये क्या लिखा है, एड लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं ये एड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एड का मतलब यही होता है कि ये गूगल एडवर्ड्स में अपना इस बेकरी शॉप का या फिर जो भी केक शॉप का होगा वो लिस्टिंग किया हुआ है वहाँ पे। मतलब अगर हम लोग गूगल एडवर्ड्स में ये कीवर्ड हम लोग लिखते हैं, एडवर्ड्स का मतलब क्या होता है, वर्ड्स, वर्ड से वो सर्च करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे केक शॉप इन भिलाई लिखता हूँ या फिर बेस्ट केक शॉप इन भिलाई में लिखता हूँ, ठीक है, तो भी हम लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग ये वाला बेस्ट हटा के केक शॉप इन भिलाई लिखे, ठीक है, सबसे पहली बार में वहां पे कुछ एडवर्टाइजमेंट हम लोग को दिखाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं फेसबुक, जैसे मैंने लिखा फेसबुक, ठीक है, तो फेसबुक में भी यहाँ पे क्या दिखाता है हम लोग को, जब फर्स्ट बार सर्च करोगे तो यहाँ एड दिखाएगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड से वो सर्च करता है, कीवर्ड से क्या करता है, सर्च करता है। मतलब फेसबुक एड्स या फिर गूगल एडवर्ड्स दोनों क्या करता है, कीवर्ड से सर्च करता है, मतलब इस वर्ड के हिसाब से वो अपना रिजल्ट ला के देगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्ड्स, ठीक है। तो गूगल एडवर्ड्स जो है यहाँ पे देख सकते हो खुद का भी एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे गूगल एड्स करके है, तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स, ठीक है। और यहाँ पे देख लो साइड में यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन वर्कआउट क्लासेस उसने लिखा और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अपनी बिजनेस को लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस का एड डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अलग अलग टाइप का होता है, जब इसमें आप लोग कोई भी अपने जो भी शॉप्स होंगे आपके, नहीं आपका अगर कोई शॉप होगा तो आप भी ये चीज कर सकते हो। बहुत नॉमिनल चार्जेस रहते हैं इसके, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये एनालिटिक्स हम लोग को डालना होता है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। सबसे पहले ट्रैकिंग आईडी इंस्टॉल करना होता है। मेरे पास अभी कोई वेबसाइट लाइव नहीं है तो मैं अभी नहीं दिखा सकता। हम लोग को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड मिलता है, पहले से हम लोग को मिल जाता है, सारी चीज़ें इसमें सेट रहती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेस्ट कनेक्शन में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी कोई भी हम लोग वेबसाइट में नहीं डाले हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको कॉपी करेंगे, ये कोड हम लोग को दिया है पहले से, हम लोग को ये हेडर में डाल देना, मतलब हेड सेक्शन में अपने एचटीएमएल पेज में हम लोग को डाल देना है, ठीक है। जैसे मैं कोई भी एक एचटीएमएल पेज खोलता हूँ जो हमने बनाया था, मान लो ये रजिस्ट्रेशन वाला मैं खोलता हूँ, ठीक है। इसको नोटपैड प्लस प्लस में मैंने ओपन किया, ठीक है, ये हमारा कोड है। तो मैं इस कोड को कहाँ पे डालूंगा, ये कोड को मैंने यहाँ से क्लिक करके कॉपी किया और मैंने इसके हेड सेक्शन में लाया, जस्ट टाइटल के बाद में मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के जितने भी स्क्रिप्टिंग कोड रहते हैं वो हेडिंग सेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। अब इस रजिस्ट्रेशन पेज को अगर मैं खोलूंगा, ठीक है, अगर ये सर्वर पे अपलोड होगा, अभी तो लोकल सिस्टम में अपलोड है, अगर सर्वर पे अपलोड होगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं टेस्ट कनेक्शन करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन सेंड करेगा जो कि वेब एडमिन है, मतलब इस पेज का जो एडमिन होगा, एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेटर राइट जिसके पास होगा, ठीक है, उस सर्वर से कनेक्ट करके वो अपना एड्स को यहाँ पे भेजना चालू कर देगा और इस पेज को रजिस्टर कर लेगा। किस में रजिस्टर कर लेगा, इस कैंपेन में रजिस्टर कर लेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, कीवर्ड्स डालना पड़ता है। अब कीवर्ड्स हम लोग कहाँ डालेंगे, कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पे एक टैग जोड़ते हैं, मैंने बताया था कौन सा टैग जोड़ते हैं, मेटा टैग, ठीक है, मेटा टैग जोड़ते हैं, ठीक है। टाइप इक्वल टू कीवर्ड्स,
ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ कीवर्ड्स हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मेटा टैग में जो कीवर्ड्स डालेंगे वो सारे यहाँ पे क्या होते हैं, इस कैंपेन में रजिस्टर किए जाते हैं, ठीक है। और इस ट्रैकिंग टैग से वो क्या करता है, इसको ट्रैकिंग टैग बोलते हैं, ठीक है। और इस ट्रैकिंग टैग से क्या करता है, वो हमारे वेबसाइट के साथ कनेक्ट होके जैसे ही हम लोग इस गूगल में सर्च करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, गूगल एडवर्ड्स को हम लोग अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। अब इसको लगाने का फायदा क्या है, हम लोग कभी भी जाते हैं गूगल में सर्च करते हैं, जैसे मैं अभी अभी सर्च किया था के शॉप इन भिलाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एड्स आएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग सर्च करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का जो है केक शॉप दिखाना चाहिए। यहाँ पे देख लो सत्यम बेकरी दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बेकरीज यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या फायदा है इससे, यहाँ पे फेसबुक एड्स या फिर गूगल एडवर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग को एक एक्यूरेसी देते हैं, ठीक है, सर्च इंजन के लिए, ठीक है। जब भी हम लोग कोई कीवर्ड सर्च करते हैं अपने सर्च इंजन में, ठीक है, सर्च इंजन में मतलब गूगल में, अब देखो यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स है सिर्फ और सिर्फ गूगल के लिए सर्विसेज देगा ये, दूसरे के लिए नहीं देगा, मतलब गूगल का खुद का सर्च इंजन है गूगल, ठीक है, वो अपने ही सर्च इंजन के लिए उसको ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और हमारे वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ा देगा, उस वेबसाइट को क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा, मतलब उसका रैंक बढ़ा के वो सबसे ऊपर में ले आएगा, ठीक है। तो ये गूगल एडवर्ड्स और फेसबुक दोनों वही करता है, फेसबुक एड्स भी वही चीज होता है, ठीक है, जो काम करता है गूगल एडवर्ड्स, ठीक है, लेकिन फेसबुक एड्स अपने ही पोर्टल पे, मतलब अपने ही फेसबुक एप्लीकेशन पे वो एड्स को पब्लिश करता है, ठीक है। तो जब हम लोग सर्च करते हैं फेसबुक में अगर कुछ भी चीज हम लोग सर्च करेंगे तो वो क्या करेगा, हम लोग को दिखाएगा, उससे रिलेटेड एड्स हम लोग को दिखाएगा, उससे रिलेटेड हम लोग को जो भी पेजेस है वो दिखाएगा, उससे रिलेटेड जो भी पीपल्स है वो दिखाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग को फेसबुक दिखाता है, ठीक है। इसका भी बहुत अलग अलग टाइप के एड्स होते हैं, ठीक है, जब उसमें हम लोग डीप में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हम लोग को वहां से मिलेगी, लेकिन इतना ज्यादा डीप में हम लोग के कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है यहाँ पे, गिव्स पीपल योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करता है, जितना एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है अपने वेबसाइट के साथ, जो भी हम लोग वेबसाइट में डालते हैं वो कभी भी गलत हम लोग नहीं डालते, क्योंकि खुद का बिजनेस है, सारी चीजें खुद की है, ठीक है, तो हम लोग उसमें कोई भी चीज गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट भी होते हैं जिसमें फेक इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन मैक्सिमम 99% जो होते हैं वो जितने भी बिजनेस वेबसाइट्स होते हैं उसमें उसके रियल इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, सम कंपनीज ओनली पुट बेसिक इंफॉर्मेशन, एड्रेसेस, फोन नंबर्स ऑन देयर वेबसाइट्स, वाइल मैनी पीपल एड टेस्टिमोनियल्स, फोटोज, वीडियोज एंड अदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विच बिल्ड्स ए ट्रस्ट अमॉन्ग पीपल अबाउट योर कंपनी, ठीक है। कुछ कंपनीज क्या करती है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ठीक है, जिससे जो कस्टमर है, जो यूजर है वो आपसे तक पहुंच सके। लेकिन कुछ कंपनीज जो होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अगर उन बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम लोग उसके वेबसाइट पे देखेंगे, तो उसके वेबसाइट पे हम लोग को उसके बहुत सारे डिटेल्स हम लोग को देखने मिलते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके वेबसाइट से मिल जाती है, जैसे कि टेस्टिमोनियल्स है, फोटोज है, वीडियोस है, ठीक है, और भी अदर डिटेल्स हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यूजर जो है उसका ट्रस्ट बढ़ेगा, हाँ इसके वेबसाइट में सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब हम लोग इस कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कोई भी नई डील होती है मार्केट में, अगर कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी जो है आपस में डील्स करते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, यही सारी डिटेल्स जो है वो देखते हैं। अगर उनको डिटेल्स सही लग रही है तभी उनसे मतलब आगे डील क्लोज करते हैं, अदरवाइज जो भी होगा वो करते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट जो है वो यही सारी डिटेल्स के कारण किसी भी बिजनेस पे ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हेल्प्स यू टू शो केस योर स्किल्स है टू द होल वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि हम लोग, हमारे पास कोई स्किल है, ठीक है, कोई मान के चलो कोई मेहंदी बहुत अच्छा बना लेता है, कोई रंगोली बहुत अच्छा बना लेता है, ठीक है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा बना लेता है, कोई फोटोग्राफी बहुत अच्छा कर लेता है, या फिर कई लोग के पास अलग अलग टाइप के स्किल्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्किल्स को शोकेस करता है। शोकेस करना मतलब पूरे पब्लिक को दिखाता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कोई भी, जैसे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, ठीक है, या फिर जो एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उन लोग भी अपना एक पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे लोग जो है अपना अपना पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, जिससे उनके बारे में लोग जानते हैं और उनके टैलेंट को पहचानते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग भी, अगर कोई आपके अंदर कुछ स्किल होगा, कुछ टैलेंट होगा, तो आप भी अपना वेबसाइट बना के उसमें डाल सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को आप बता सकते हैं कि ये मेरा वेबसाइट है, मेरे बारे में अगर जो भी जानना है उस वेबसाइट में जाके आप जान सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या रहेंगे, जैसे कि पोर्टफोलियो है आपका, पोर्टफोलियो मतलब आपके बारे में कुछ लिखा हुआ है, आपके बारे में कुछ फोटोज है, ठीक है, कुछ आपके सेल्स स्किल से रिलेटेड या टैलेंट से रिलेटेड कुछ फोटो वीडियोस होंगे, ठीक है, इमेज गैलरी होंगी, ठीक है, फीडबैक्स होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर होंगी। ये क्या करेगा, आपके स्किल सेट को, आपके टैलेंट को शोकेस करेगा, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आपको लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, ठीक है। पहले भिलाई में ही कोई नहीं जानता था, लेकिन अगर आप ऑनलाइन हो जाएंगे, अगर आपने अपनी डिटेल्स को इसमें डाल दिए, तो पूरे लोग आपको पहचानने लगेंगे, ठीक है। तो ये शोकेस करने के लिए भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर्स फॉर देयर बिजनेस, ठीक है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी वेबसाइट जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हम लोग उसमें अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग को कोई भी कस्टमर के पास तक पहुंचना है, जैसे कि मान के चलो हम लोग ने कोई एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे मान लो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस हम लोग ने स्टार्ट किया, ठीक है, तो लोगों को पता नहीं है, कैसे पता चलेगा उस वेबसाइट के बारे में जब तक आप उसका प्रमोशन नहीं करोगे, ठीक है। प्रमोशन किए, लोग आपकी वेबसाइट पर आना चालू कर दिए, वो और भी लोगों को बताया कि ये वेबसाइट है और यहाँ से जाके फूड को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या, कस्टमर बिल्ड करती है, ठीक है, उनको बैठे बैठे सुविधा मिल रही है, ठीक है। अभी लॉकडाउन था तो ना सब्जी आ रही थी, ना राशन आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे, ठीक है, कई वेबसाइट से ऑर्डर हो रहे थे, कई फ़ोन नंबर से ऑर्डर कर रहे थे। तो ये क्या कर रहा है, अपने कस्टमर को बढ़ा दिया, मतलब ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, दोनों तरीके से, मतलब जो ऑफलाइन आते थे वो भी ऑनलाइन आने लगे, जो ऑनलाइन आते थे वो तो ऑनलाइन आ ही रहे, ठीक है। तो सब चीज यहाँ पे किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर्स को बढ़ाएगा, ठीक है, जो वेबसाइट है वो क्या करेगा, कस्टमर को बढ़ाएगा, क्योंकि कस्टमर को सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जा रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हेल्प्स इन बिल्डिंग ए बेटर रिलेशनशिप विद कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनता है कोई भी बिजनेस और कस्टमर के बीच में, ठीक है, तो वो कैसे बनता है, उसमें रेगुलर अपडेट्स आने चाहिए, रेगुलर वहाँ चैटिंग फैसिलिटीज हम लोग डालेंगे, ईमेल मैसेजेस होंगे, कमेंट्स होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे कस्टमर फीडबैक्स भी हम लोग को वहाँ पे देना होता है। जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट में देखते हैं, फ्लिपकार्ट में कोई भी एक प्रोडक्ट लिस्ट हुआ, सबसे पहले हम लोग उसका फीडबैक देखते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर कमेंट्स अच्छे होंगे, फीडबैक अच्छा होगा, तभी हम लोग उस प्रोडक्ट को आगे परचेज करने की सोचते हैं। अगर उसमें से फीडबैक अच्छा नहीं होगा, ठीक है, अगर मान लो उसमें 5 स्टार में से 1 स्टार रेटिंग है, तो हम लोग उसको देखते भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिलेशनशिप मेंटेन करता है कस्टमर और
जो भी बिजनेस है उसके बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पे जो बेनिफिट्स है वो हमने डिस्कस किया, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं वेबसाइट के।